गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करेंगे सेका बाजा नियम के बारे में। कल हमने अध्ययन किया था हरित लेखांकन के बारे में, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेका बाजा नियम क्या है। प्रसिद्ध फ्रेंच अर्थशास्त्री जेबी से ने अपनी पुस्तक ट्रेटे डी इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू में बाजार संबंधी एक नियम का प्रतिपादन किया था, और उसे ही क्या कहा जाता है, उस नियम को ही सेका बाजा नियम कहा जाता है। सेके बाजा नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। सेका बाजा नियम का आशय ये है कि प्रत्येक उत्पादक बाजार में अपनी वस्तुओं की पूर्ति इसीलिए करता है जिससे वह इन वस्तुओं के बदले में दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर सके। जब भी एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है, तब वह उत्पादन के साधनों को मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ के रूप में भुगतान भी करता है। इसे इन साधनों की क्या कहा जाता है, आय कहा जाता है। अतएव जिस समय भी किसी वस्तु की पूर्ति होती है, लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है, और इस आय का उपयोग किस लिए किया जाता है, उत्पादित वस्तुओं की मांग करने के लिए किया जाता है। जब भी कभी उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो नए बेकार पड़े उत्पादन के साधनों को जुटाना पड़ता है, और उत्पादन में होने वाली वृद्धि को इन्हीं नए प्रयोग किए जाने वाले साधनों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से पूर्ति के बढ़ जाने से बेकार पड़े उत्पादन के साधनों के हाथों में भी क्रय शक्ति आ जाती है, जिसे वो कहाँ पर व्यय करते हैं, अपने उपभोग पर व्यय कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्ति उत्पादन के साधनों को क्रय शक्ति देकर क्या देती है, मांग को जन्म देती है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन दो उद्देश्यों के लिए करेगा, या तो वह स्वयं उसका उपभोग करेगा या फिर वह उस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु की मांग करेगा। अतएव प्रत्येक व्यक्ति बाजार में जितनी पूर्ति करता है उतनी ही मांग करता है। इस प्रकार से इस नियम के अनुसार मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के समान रहते हैं। अब है इसकी मान्यताएं। फर्स्ट है पूर्ण प्रतियोगी अर्थव्यवस्था। सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है इस नियम के अनुसार। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में यदि साधनों और वस्तुओं की मांग तथा उनकी पूर्ति एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कीमतों में स्वयं ही इस प्रकार परिवर्तन होता है कि कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाए। लोचशील कीमतें, कीमतें मजदूरी तथा ब्याज की दर लोचशील होनी चाहिए। यदि मांग पूर्ति से कम है तो क्या कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी तथा मांग बढ़कर पूर्ति के बराबर हो जाएगी। यदि देश में मान लो बेरोजगारी है तो क्या होगा, मजदूरी कम हो जाएगी जिससे रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी। मुद्रा केवल एक आवरण है। मुद्रा वस्तुओं के विनिमय का केवल क्या है, एक साधन मात्र है। वास्तव में वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से ही होता है। मुद्रा का कार्य केवल वस्तु विनिमय को सरल बनाना है, इसलिए मुद्रा क्या है, एक आवरण मात्र है। धन संचय का न होना, सारी की सारी मुद्रा व्यय कर दी जाती है, अर्थात किसी प्रकार का संचय नहीं किया जाता, क्योंकि या तो मुद्रा को उपभोग पदार्थों पर खर्च कर दिया जाता है, और अगर उपभोग पदार्थों पर खर्च नहीं किया जाता है तो उन्हें पूंजीगत पदार्थों पर खर्च कर दिया जाता है। इसी वजह से बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। राज्य के तटस्थ होने की नीति। सेका बाजार नियम ये मानता है कि राज्य की ओर से किसी भी प्रकार का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता है। बाजार का विस्तृत आकार। बाजार का आकार विस्तृत है, वस्तुओं की मात्रा में जितनी वृद्धि होती जाएगी उतना ही बाजार का आकार क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। श्रम तथा पूंजी के लिए अनंत अवसर। अर्थव्यवस्था में पूंजी तथा श्रम की पूर्ति कैसी मानी गई है, पूर्णतया लोचदार मानी गई है, अर्थात पूंजी और श्रम की मात्रा को
उद्यम अपने अनुसार कितना भी बढ़ा सकता है। दीर्घकाल, सिक्का बाजार नियम केवल दीर्घकाल की स्थिति में ही लागू होता है, ये अल्पकाल की स्थिति में लागू नहीं होता। उसके कई कारण हैं, जैसे अल्पकाल में सामान्य उत्पादन तथा आंशिक सामान्य बेरोजगारी क्या है, संभव होते हैं। इसीलिए सिक्का बाजार नियम दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है। उपभोक्ता अधिमान के अनुसार उत्पादन, उत्पादन हमेशा उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार किया जाता है, इसीलिए जितना उत्पादन होता है वह अवश्य खरीद लिया जाता है। अब है सिक्के बाजार नियम की व्याख्या। इसकी व्याख्या हम दो तरह से करेंगे, एक तो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में और दूसरा मौद्रिक अर्थव्यवस्था में। तो फर्स्ट वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में सिक्का नियम। अब इसमें जैसा कि हैंसन ने कहा है, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक उत्पादक बाजार में वस्तुएं इसीलिए लाता है जिससे वह दूसरी वस्तुओं से उन्हें बदल सके। अर्थात सिक्का नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में अवश्य ही लागू होता है। और प्रत्येक उत्पादक जब वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए जाता है या फिर पूर्ति का निर्माण करता है, तब वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह उसके बदले में दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर ले या फिर मांग का निर्माण कर ले। और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रत्येक दशा किसी दूसरी वस्तु के लिए की जाने वाली मांग को प्रकट करती है। इसका कारण यह भी है कि कोई भी व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन या तो अपने निजी उपयोग के लिए करेगा या फिर उसके बदले में दूसरी वस्तुएं खरीदने के लिए करेगा। और इसका परिणाम ये होता है कि वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की पूर्ति सदैव ही दूसरी वस्तुओं के लिए की जाने वाली मांग का प्रतीक होती है। नेक्स्ट, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में सिक्का नियम। जैसा कि सिक्का नियम मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है, उनके अनुसार, किनके अनुसार, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का ही काम करती है। अतः जब एक उत्पादक अपने उत्पादन को बेचकर मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करेगा तो वह उस मुद्रा को दूसरी वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने के लिए खर्च कर देगा। इस प्रकार मांग का निर्माण होगा और वह कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी। इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में सिक्के नियम को। जैसा कि मान लो एक देश में एक वर्ष में 100 करोड़ रुपए का उत्पादन, जिसे हम कुल पूर्ति भी कह सकते हैं, वो होता है। अब उत्पादन हमने किया तो उत्पादन के साधनों की आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और वे 100 करोड़ रुपए की आय को कुल पूर्ति खरीदने में खर्च कर देंगे। तो वो खर्च कर देंगे तो इससे क्या होगा, कुल मांग में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। अर्थात कुल पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण कर लेती है और कुल मांग के कारण राष्ट्रीय आय फिर से कहाँ पहुँच जाती है, उत्पादकों के पास पहुँच जाएगी और वे दूसरे वर्ष 100 करोड़ रुपए का उत्पादन कर सकेंगे। इस प्रकार से ये एक चक्रीय प्रवाह चलता रहेगा। अब है सिक्के बाजार नियम की आलोचना। जैसा कि फर्स्ट, सामान्य अधिक उत्पादन संभव है सिक्के बाजार नियम में। जैसा कि लॉर्ड केंच ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में क्या, अति उत्पादन संभव है, क्योंकि केंच के अनुसार कुल मांग उपभोग मांग तथा निवेश मांग के द्वारा निर्धारित होती है और आय का वह भाग जो उपभोग नहीं किया जाता और वह बचा लिया जाता है, यदि इस बचत को पूरी तरह निवेश कर दिया जाए तब तो कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होगी। लेकिन ऐसा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बचत करने वाले व्यक्ति और निवेश करने वाले व्यक्ति दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बचत करे तो वो उसे जरूर ही या अवश्य ही निवेश करेगा। नेक्स्ट, सामान्य बेरोजगारी संभव है। अब लॉर्ड केंज ने यह आलोचना की है कि सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है सिक्के नियम के अनुसार तो, लेकिन केंज के अनुसार सामान्य बेरोजगारी संभव है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी पाई जाती है तो वहाँ नगद मजदूरी कम हो जाएगी और नगद मजदूरी कम होने के कारण रोजगार की मात्रा
अधिक होगी और इसके फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी की स्थिति समाप्त हो जाएगी तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये तर्क दिया है प्रोफेसर पिगू ने। नेक्स्ट है स्वतः समन्वय का अभाव। से के नियम की ये धारणा भी क्या है, गलत है। किसके अनुसार, केंज के अनुसार, क्योंकि केंज के अनुसार अर्थव्यवस्था में स्वतः समन्वय, से के नियम के अनुसार तो अर्थव्यवस्था में स्वतः समन्वय आ जाता है, जबकि स्वतः समन्वय उस समय होता है जबकि मांग और पूर्ति स्वयं ही अपने आप को समन्वित कर ले अथवा जो बचत हो उसका निवेश कर दिया जाए। लेकिन केंज के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग तथा पूर्ति में अवश्य ही परिवर्तन हो। नेक्स्ट, से का नियम तर्कपूर्ण नहीं है। से का नियम तर्क की दृष्टि से गलत है, क्योंकि से का नियम ये तर्क देता है कि कुल मांग सदैव इतनी होगी जिससे उत्पादित वस्तुओं को खरीदा जा सके, जबकि केंज के अनुसार ये उचित नहीं है। नेक्स्ट, बचत तथा निवेश में संतुलन। से के नियम के आधार पर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने ये माना है कि बचत और निवेश में सदैव संतुलन पाया जाता है, जबकि केंज के अनुसार से के नियम की ये मान्यता गलत है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि बचत और निवेश करने के निश्चय एक दूसरे के समान हो। नेक्स्ट, मुद्रा केवल विनिमय का साधन नहीं है। जैसा कि से के नियम में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने माना है कि मुद्रा क्या है, केवल विनिमय के साधन के रूप में ही कार्य करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो परंतु केंज और दूसरे अर्थशास्त्रियों ने ये माना है कि ये धन संचय के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट, राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता। से का नियम ये मानता है कि राज्य को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन केंज ने इसकी कटु आलोचना की है और केंज के अनुसार निर्धनता और बेकारी सामाजिक और आर्थिक कुरीतियों का क्या है, फल है। तो एक ओर धन का आधिक्य है और दूसरी ओर धन का अभाव तथा गरीबी, तो ये क्या है, असमानता का नतीजा है। तो अर्थव्यवस्था में इससे क्या होगा, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी और मांग तथा पूर्ति बराबर नहीं हो पाते और निवेश में कमी रह जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न होती रही है। इसीलिए केंज का यह मत है कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट, दीर्घकालीन संतुलन, पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक धारणा। से का नियम पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक धारणा पर आधारित है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में ही उत्पादन के साधन लोचशील होते हैं, लेकिन वास्तव में ये धारणा क्या है, काल्पनिक है, क्योंकि वास्तविक जीवन में तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन संतुलन। से का नियम किस धारणा पर आधारित है, दीर्घकालीन की धारणा पर। से का नियम केवल दीर्घकाल की स्थिति में ही लागू हो सकता है, जबकि केंज के अनुसार दीर्घकालीन संतुलन के स्थान पर अल्पकालीन संतुलन का हमारे जीवन में अधिक महत्व है, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। नेक्स्ट, अल्प रोजगार संतुलन संभव है। से के नियम के अनुसार संतुलन की अवस्था केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही संभव है, किंतु केंज के अनुसार संतुलन की अवस्था अल्प रोजगार की अवस्था में भी संभव हो सकती है। नेक्स्ट, आंशिक संतुलन के निष्कर्षों को सामान्य संतुलन पर लागू करना। से का नियम वास्तव में आंशिक संतुलन के निष्कर्षों को सारी अर्थव्यवस्था पर लागू करता है, जबकि ये क्या है, ये निष्कर्ष गलत सिद्ध होते हैं। जैसा कि हैंसन के अनुसार से के सिद्धांत की मुख्य गलती ये है कि इस सिद्धांत ने एक विशेष उद्योग पर लागू होने वाले आंशिक संतुलन विश्लेषण को समस्त अर्थव्यवस्था पर लागू करने का प्रयत्न किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, कैसे, मान लो एक फर्म मजदूरी की दर को कम करके क्या करती है, रोजगार को बढ़ा सकती है, क्योंकि उस फर्म के उत्पादन की मांग केवल उस फर्म में काम करने वाले श्रमिकों पर ही निर्भर नहीं करेगी, बल्कि दूसरे उद्योगों के श्रमिकों पर भी निर्भर करेगी। परंतु मान लो यदि सभी फर्में मजदूरी की दर कम कर दे, तो श्रमिकों की क्या होगा, कुल आय में कमी
हो जाएगी और श्रमिकों की कुल आय कम होने से कुल मांग कम हो जाएगी और इस प्रकार एक फर्म के लिए जो नीति उपयोगी हो सकती है वो सारी अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। थैंक यू।